मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन। अनुज कैसे पढ़ रहे हैं आज की मूव को पहले तो? हर्षदा गुड मॉर्निंग। देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, हालांकि इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव है। हमने देखा इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में जो इंडेक्सेस सभी पॉजिटिव क्लोज हुए, यूएस का डेटा भी पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया था, तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में, हालांकि नेगेटिविटी अभी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर आपको सेकंड हाफ में बढ़त बनाता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से हमने इंटरनेशनल मार्केट बाउंस होता हुआ देखा, मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट है वो बैंकिंग स्टॉक से आता हुआ दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है मुझे लगता है कि मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम पर्टिकुलर निफ्टी की बात करें तो 19,250 से काफी अच्छा सपोर्ट है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि रह सकता है। ऊपर में मुझे लगता है कि 19,450 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अल्टीमेटली 19,250 से लेकर 19,450 की वेरी शॉर्ट टर्म रेंज रहेगी, जहां पर हमने काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी ऐड होते हुए देखे। मुझे लगता है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स का रहेगा, थोड़ा करेक्शन आता है 19,300 तक के, तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके